तो गुड मॉर्निंग भाई, सुबह के बज गए हैं 12। तो आज हम जा रहे हैं भाई दुबई मॉल। दुबई मॉल से हमें लेने हैं जूते, तो देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस, क्या रहती है उसकी प्राइस। तो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ आए तो मुझे ही बताना, जिससे कि मैं भी ले पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा ना कन्फ्यूज रहता हूँ इन चीज़ों में। मेरे को समझ नहीं आता कौन सा लोग, क्योंकि मैं घर पे ले आता हूँ, उसके बाद घर वाले कहते हैं बेकार है बेकार है। तो चलो देखते हैं। आज की राइड रहने वाली भाई ये फोर्ड की एक्सपीडिशन। मन तो मेरा करता है उसमें जाने का, बट वो है 5-सीटर, तो चलो इसमें चलते हैं। और कुछ दिनों में इसके अंदर भी व्लॉग लेके आऊँगा एक बढ़िया सा शेवरोलेट की कमेरो में। तो गाइस पहुंच गए हम आउटलेट विलेज। पहले मेरे को घर पे लग रहा था कि दुबई के अंदर है जो आउटलेट मॉल, हमें वहाँ जाना है, बट फिर गूगल पे चेक करा तो हमें जाना था आउटलेट विलेज। तो आ गए हैं, देखो बाहर से क्या व्यू है इसका। तो गाइस जैसे कि दिखा रहा हूँ यहाँ पे ना, सारे जो स्पोर्ट्स की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना, फैक्ट्री आउटलेट जैसे अपने इंडिया में होते हैं, तो यहाँ भी फैक्ट्री आउटलेट टाइप का है। इसके अंदर सारे अपने आउटलेट मिल जाएंगे हमारे को, ठीक है। तो चलते हैं, पहले तो हम सोच रहे स्टेडियम के अंदर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं अंदर जाके कैसा रहता है अंदर का एक्सपीरियंस और क्या क्या सामान होता है। तो यहाँ तो भाई जैसे देख रहा हूँ मैं, इसके अंदर ये थोड़ी एक उस टाइप की है जिसके अंदर सारे मिल जाते हैं ब्रांड्स और डिस्काउंट के साथ। जैसे इसमें 49% है, 275 का था पहले और अब हो गया 140 का। सारे मतलब जो स्पोर्ट्स के साइज़ होती है सब चीज़ है। ये भी देख लो, जैसे इसमें 48% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड है, हर चीज़ पर डिस्काउंट है ही। तो लेके चलता हूँ और भी मैंने देखे आगे ये सारे, देखो इतने शूज़ के बॉक्स रखे हैं, इसके अंदर सारे शूज़ आपको मिल जाएंगे। बूट्स टाइप की चीज़ें देखनी है आपको, जैसे ये देखो कितना मतलब हार्ड मटेरियल है उठाने में, देखा आप समझ सकते हो टिम्बरलैंड के। ये 82% डिस्काउंट है इन पर। कलर भी अवेलेबल है ऐसे इसमें हो गए, और भी कंपनीज वगैरह का सारा सामान है इसमें। इसे देख लो, ये इसका प्राइस 195, 499 से, मतलब हर चीज़ पे डिस्काउंट है जो भी है ना, तो सही है मतलब लेना। देखो जैसे 74% डिस्काउंट है इस पर भी, सारी चीज़ ठीक है। जैसे मेरे को भी मेरे कज़न ने बताया था, उसने जैकेट ली थी कोलंबिया की, ये उनने ली थी कुछ 7-8 हज़ार रुपये के इंडिया के हिसाब से, और अब हमारे को ये पड़ रही है 60% ऑफ पे, मतलब कुछ अपना 3600 रुपये इंडिया के। जैकेट बहुत अच्छी है भाई, देखो तो आप। बट मैंने हॉलिस्टर से ले लिया अपने लिए एक जैकेट, तो मैं भी जैकेट की तरफ तो जाऊंगा नहीं। सर्दियों के मैंने बहुत कपड़े ले लिए भाई, तो सर्दियों के कपड़े अभी तो लेने का मन नहीं है। एयर मैक्स 90 के, इसका कहाँ है वो, ये शायद इसका 299 है, 300 मतलब 6000 रुपये के पड़ेंगे। ओरिजिनल की गारंटी है भाई पूरी ना इसकी।
55% डिस्काउंट है इस पर भी, ये नाइकी के दूसरे। तो भाई ठीक है, जैसा भी बोले, ना ज़्यादा सस्ते ना ज़्यादा महंगे, पर यहाँ एक चीज़ की जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी वो चीज़ ये है कि भाई यहाँ कॉपी वाला काम नहीं है, जैसे इंडिया में लोग बोल देते हैं ना A1 कॉपी ये वो, यहाँ कॉपी नहीं है भाई, यहाँ जो भी चीज़ है, जो जेन्युइन चीज़ है वो जेन्युइन चीज़ बता के बेच रहे लोग, ये नहीं कॉपी दे दे झूठ बोल के। ऐसे कि भाई ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं जूते, अपने फुटबॉल शूज भी है 129 भाई, एडिडास के 87% डिस्काउंट भाई, हैवी डिस्काउंट है भाई, किसी को लेने हो तो आ जाना भाई, आउटलेट भी ले जाए दुबई में। मेरे को तो भाई ये बेस्ट लगे, देखो भाई आपको ये पड़ेंगे 2600 रुपये के भाई, 2600 रुपये में इंडिया में भाई कुछ नहीं मिलता, देख लो फुल ओरिजिनल चीज़ दे रहे हैं भाई विद बिल बॉक्स एवरीथिंग। ये कुछ लड़कियों के जूते भी हैं, कुछ लड़कियां हमारी देखती हो वीडियो वगैरह तो उनको भी देख लो भाई, एडिडास के ये है नेट वाले, ये 2000 रुपये के पड़ेंगे आपको। सारी कलेक्शन है भाई यहाँ पे ना, जैसे कि एक ही हो गया ब्लैक शूज 175 के, एडिडास ही है, पता नहीं यार इसका रेट नहीं पता, इसका वो नहीं है कूपन। ये भाई ब्रांड बाजार अपना, बिग ब्रांड फॉर स्मॉल प्राइस। तो चलते गाइस नाइक के शोरूम के अंदर, इसके अंदर देखते हैं कि क्या डिस्काउंट है क्या नहीं है। इसको जैसे नाइक के शोरूम के अंदर देख रहा हूँ तो मैं इसके अंदर में जॉर्डन के शूज़ मिले हैं मेरे को 45% ऑफ है इस पर, ये इस पर आप नाइक के शूज़ है जो इस पे यहाँ को 50% ऑफ, और ये कुछ और जूते हैं इस पे देखते क्या है इसका प्राइस 299, इस पे भी हमारे को 57% ऑफ मिल रहा है, तो सही है डिस्काउंट हर चीज़ पे है भाई, ऐसा नहीं डिस्काउंट नहीं है, सारे टाइप के शूज़ वगैरह पे हर जगह कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट है ही। तो भाई अगर आपको शूज़ वगैरह लेने हैं तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, तो सम स्लीपर्स आर देयर ऑल्सो, ओके। तो भाई अगर छोटे बच्चों के लिए लेने हैं उनके भी हैं, देखो कितना प्यारा है ये, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। इसका पड़ेगा आपको प्राइस 159 का, जो कि 36% ऑफ इसके ऊपर, और लाइक जैसे थोड़ा और देखा जाए तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये आपको 129 का पड़ेगा, 46% ऑफ है इसके ऊपर भी, और मतलब सारे एज ग्रुप के लिए यहाँ पर आपको शूज़ वगैरह मिल जाएंगे। और ये कुछ ड्रेसेस है, ये भी देखो इन पर भी सब पे डिस्काउंट है, सिर्फ 99 की बताओ, देखो भाई बहुत प्यारी लग रही है। तो भाई मैंने यहाँ पे सारा घूम के देख लिया, तो भाई यहाँ एक द डील नाम से जगह है जिसके अंदर सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, तो इसके अंदर ही भाई बहुत हैवी डिस्काउंट है, जैसे कि देखते हैं आपको ये लकोस्टे के जूते पड़ेंगे 195 के, जो कि भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं, बताओ भाई कमेंट में ये कैसे है, लेने लायक है भाई। मेरे को एक ना शूज़ लेने ही हैं आज, तो देखते हैं कि कौन से लेते हैं हम। तो इनका पास तो बहुत अच्छा कलेक्शन है भाई अगर देखा जाए तो, एक से एक जूते है भाई हर कलर में और हर उसके। शूज अच्छे हैं, सिला के
ये 410 के, यहाँ के 195 के पड़ेंगे, और इसकी तो क्या कर सकते, ये भी 195 के पड़ेंगे। अच्छे है भाई, आपको सही लग रहा है भाई यहाँ का स्टफ? ये तो नहीं है भाई इतने प्यारे, ठीक है 125 के, बुरे भी नहीं है। ओ भाई कितना महंगा है, 29995। ये भाई इतने महंगे, 7590 वाले जूते हैं भाई, देख लो कितने महंगे जूते हैं। और भी प्यारे प्यारे कलेक्शन है इनके पास, देख रहे थे मेरे पास तो बहुत बेकार कलेक्शन है। कौन सी है जी मिशू, कितने के है? 1645 डिस्काउंट के बाद। देख लो भाई जिम्मी चौक पे भी है यहाँ पे डिस्काउंट, लड़कियों का भी पूरा स्टॉक है, जोन से पसंद आए भाई कमेंट बता देना, प्राइस लिस्ट बता दूंगा आपको उसकी। तो गाइज ये है यहाँ के सारे आउटलेट्स जो कि मैं अब वीडियो में आपको दिखाता चलता हूँ, आगे जैसे जैसे जाता हूँ तो इसके अंदर मैं सारे कवर कर लूँगा, जोन जोन से आउटलेट इस दुबई आउटलेट विलेज के अंदर है, तो जोन से आपको पसंद है आप यहाँ के विज़िट कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक भारी डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपके पास चॉइस के लिए काफ़ी और ब्रांड्स भी रहेंगे, तो ठीक है आने के लिए, मतलब एक आपको वैरायटी भी मिल जाएगी और एक दूसरा आपको क्या मिल जाएगा कि यहाँ सारे ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। कितना और आगे खत्म है मॉल? अच्छा मिला नहीं, अच्छा नाइक भी तो है, नाइक पे तो बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, अंदर देख के नहीं आया नाइक, और द डील पे भी बढ़िया बढ़िया शूज है, लकोस्टे के ऊपर तो बढ़िया डिस्काउंट है, वहाँ पे लकोस्टे भी है। अच्छा तो भाई ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहीं आए और हम कुछ ना ले, तो जाते जाते भाई हमारे को मिल गया कुछ टी शर्ट्स जो कि है बहुत प्यारी सकूर की, तो गाइस घूम घूम के लग गई है प्यास, तो एक बार सोच रहा हूँ मैं कि एक जूस पी लेता हूँ यहाँ से, बहुत ज़्यादा मतलब यार थक गए, पानी पी पी के काम नहीं चल रहा, तो जूस पी लेते हैं, तो भाई खाली जूस पीने से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें कुछ खाने का भी मन कर रहा है, तो चलते हैं कुछ खाने। रवि व्हाट आर यू ईटिंग टुडे? ओके तो भाई आगे यहाँ पे हमारे को दिख गया क्रॉक्स, तो मेरा थोड़ा मन है क्रॉक्स लेने का, तो देख लो यहाँ बहुत वैरायटी है क्रॉक्स में, इनमें भी डिस्काउंट है या नहीं पता नहीं, तो ये 129 के हैं, ये 169 के सारा है, तो मेरे को जो पसंद आया भाई वो है ये वाले, तो हम करा लेते हैं इसका बिल काउंटर पे जाके, साइज़ वगैरह मैंने सारी चीज़ चेक कर ली है, तो एक तो मैंने लिए है अपने लिए,
जो कि है ये, और एक मैंने लिया अपने कज़न ऋतिक के लिए जो कि है ये। देखते हैं उसको कैसे लगते हैं। वो वहाँ से मिलते हैं। तो गाइस बाहर जाते जाते हमें दिखता है अंडर आर्मर का आउटलेट और उसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे जैकेट्स वगैरह, तो इधर भी ट्राई करता हूँ मैं। तो गाइस ये भी बताओ कमेंट में कैसी लग रही है आपको। ये विंड चीटर है और ये थोड़ी रिफ्लेक्टिंग टाइप की है, तो मुझे तो अच्छी लग रही है। आप बताओ आपका क्या सजेशन है। भाई ये वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है आपको। चल एक मिनट ना, सो वी आर टेकिंग बोथ। शाम के बज गए हैं 7 और हमने अपनी शॉपिंग कर ली है पूरी, जिसके अंदर हमने लिया अंडर आर्मर से कुछ जैकेट्स, विंचिटर और हमने लिए क्रॉक्स और कुछ टी शर्ट्स। आपको दिखाता हूँ मैं, टी शर्ट्स हमारी ये हो गई, ये हमारे अंडर आर्मर से कुछ जैकेट्स और विंचिटर और क्रॉक्स जो पसंद आए हैं वो थे वाइट वाले जो आपको मैंने पहले दिखा दिए थे बस। तो गाइस अब चल रहा है थोड़ा वेटिंग, क्योंकि मेरे जो घर वाले थे वो भी अपना सामान देख रहे हैं, वो एडिडास में गए अभी क्योंकि उनको भी शूज़ बाय करने थे मेरी तरह। मेरे को तो शूज़ अभी पसंद आए नहीं, तो मैंने तो ले लिए थे अपने क्रॉक्स। तो वो एक बार और गए हैं दोबारा एडिडास के शोरूम में देखने, क्योंकि उनको एक राइवल्स नाम का है कोई शूज़, मेरे को नहीं पता कौन सा है, बट उनको वो ऑनलाइन से यहाँ पे चीप मिल रहा है। तो एक बार वो मतलब क्रॉस चेक करने गए हैं कि मतलब जो भी उनके जो मन के डाउट्स थे वो अपना क्लियर करने गए हैं। तो जब तक वो आते हैं तब तक हम यहाँ करेंगे बैठ के वेट इधर, क्योंकि मैं तो चल चल के थक गया हूँ, क्योंकि सुबह हम 12 बजे घर से निकले थे और अब 7 बज गए, 7 घंटे हो गए मतलब घर से बाहर निकले ट्रैवलिंग करते हुए। तो भाई थक जाते हैं शॉपिंग करते करते भी, पर जैसे देखो बाहर आ रखे इंडिया में तो देखो शॉपिंग करने में भी रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा, कुछ पता नहीं कि क्या चीज़ ओरिजिनल मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। क्योंकि जब डिस्काउंट की बात आती है वो अगर आप प्रॉपर आउटलेट में जाके लोगे तो वहाँ आप एक बार को कर सकते हो कि भाई हाँ चलिए ओरिजिनल चीज़ देंगे जब, पर यहाँ पे देखो दूसरी शॉप्स भी होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे अपनी स्टेडियम नाम की थी, दूसरी भी थी और दो भी थी, मतलब इनके ऊपर भी एक गारंटेड मतलब विश्वास कर सकते हैं कि भाई ये ओरिजिनल चीज़ ही देंगे, ये मतलब फेक वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे ना। तो बस यही है भाई, कर लिया शॉपिंग। जैकेट्स भी आपको मैंने अंडर आर्मर के दिखाई है, प्राइस भी आपको मैंने बता ही दिया जो भी है, जो नहीं बता पाया तो भाई अगली बार बता देंगे उसका प्राइस आपको, आप मेरे से पूछ लेना। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से है अराउंड 45 मिनट्स है इसका बाय कार। तो अगर मेरा कुछ मतलब वीडियो में रह जाए तो प्लीज़ मेरे को भाई कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पक्का आपके लिए दोबारा आके यहाँ पे आपको मैं वो चीज़ क्लैरिफाई करूँगा। भाई ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं करूँगा, जो भी है भाई सब सामने है, ठीक है। तो भाई क्या ले लिया ऋतिक, क्या ले आया दिखा।
फेस मास्क भी है इसमें तो yep. निकाल के दिखाइयो कैसा है ये, कितने पड़े इंडिया वाला रेट पड़ा है, कुछ महंगा पड़ा है ये? हजार के हैं या 700 हैं? कल वाले जो आउटलेट में देखा था वहाँ तो हमारे को 1200 का पड़ रहा था ये। हाँ, सस्ता है। हेलो, शूज तो दिखा कैसे आपने खोल के? शूज तो ये है वो राइवलरी जो मैं बोल रहा था आपको, कितने के पड़े भाई ये? 6500। 6500 आपका डिस्काउंट? वैसे कितने के है ये? 8.5। सही है भाई, फिर तो सही पड़ गया। आना हो तो आप आ जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं इसको वापस पैक, क्योंकि ऐसे तो लेके जाना सही नहीं है। तो गाइस जैसे ही बाहर निकलते हैं, देखो कितनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है, ये वाटरफॉल छोटा सा, ये तो भाई बुर्ज खलीफा वाले से तो काफ़ी छोटा है। बाकी भाई ये वी परफ्यूम्स है, यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट वगैरह रहते हैं परफ्यूम्स वगैरह पे। नहीं हो रहा फोकस, चलो कोई नहीं, आज तो जा नहीं रहे भी परफ्यूम्स, पर पिछले दिन जाएंगे तो उसको भी लेके आएंगे। तो अभी कर रहे हैं हम अपनी गाड़ी का वेट, वो आ जाती है यहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो हम चलते हैं उसके पास। तो गाइस आ गए हैं हम यहाँ पे, कोई बोल गप्पा या गोल गप्पा नाम की कोई जगह है, वहाँ पे हम लेंगे डिनर अपना। तो ये जगह तो देखो कितनी अमेजिंग है, एक झूला है यहाँ पे और वो फेरिस व्हील पीछे, तो आपको दिखाते हैं क्या लेंगे डिनर में। हमारा तो अभी रोटी सब्जी खाने का कुछ प्रोग्राम है। जगह बहुत प्यारी है भाई, देखो फेरिस व्हील भी हो गया अपना, और इधर ना ऊपर अभी झूला गया हुआ था, बहुत अच्छा है, मतलब ऊपर जाता है ऊपर तक पूरा और उसके बाद नीचे आता है। गाइस व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, मतलब इधर रिवर लैंड है, इधर बहुत अच्छा मतलब घूमने का एक वो है जगह, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे। और तो भाई यहाँ देखने दिखाने की चीज़ें तो बहुत है, मतलब जितना घूमो उतना कम भाई। इधर एक फोटोग्राफी वगैरह भी हो सकती है बहुत अच्छी, गाने भी बहुत प्लेजेंट चल रहे हैं, मतलब एक एम्बियंस ही पड़ा है कोई, मतलब जैसे किसी को शाम को यहाँ बैठ के चिल करना है थोड़ी देर तो अपना कर सकते हैं, जैसे ये लोग बैठ के अपना पीस कर रहे हैं यहाँ पे। ये पानी है भाई, पानी तो ग्रीन कलर का है भाई, देखने में सारा यहाँ का ना ब्लू लगता है, पर पास से जाते हैं थोड़ा गंदा है, पर इंडिया से तो ठीक है भाई, इंडिया में लोग भाई गंदगी कर देते हैं, इंडिया से ठीक है। बाकी ये कैफ़े है और वो है शायद हमारा गोलगप्पा या पता नहीं, जहाँ में जाना था मुझे तो वही लग रहा है क्योंकि फैमिली वाले वहीं जा रहे हैं। चलो चलते हैं अब डिनर करने, डिनर के बाद प्लान बन रहा है कि इधर जो पीछे झूले वगैरह लगे अम्यूजमेंट पार्क है, इस करने चलते हैं, बट अभी देखते हैं कि आज ही जाएंगे या कभी और जाएंगे, सो लेट्स सी। बोल गप्पा इज हियर, तो थैंक्स टू बोल गप्पा फूड लाने के लिए, तो टाइम पे आ जाता है खाना, बाकी ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ी, 2-3 मिनट में आ गया। तो बोल गप्पा स्टाफ थैंक यू फॉर सो मच, सो टेस्टी डिनर। तो गाइस रात के बज गए हैं 11 और हम आ गए अपने घर, तो भाई आज तो थक गए पूरा, तो इस व्लॉग का करते हैं ही एंड, और कल हम जाएंगे क्लाइंब में इंडोर स्काई डाइविंग करने, सो स्टे ट्यून्ड।